किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? हम तो ये समझ रहे थे कि ये जो नीरज की ट्रीटमेंट चल रही है उसके लिए सही। काश तुम्हारा कहना मुझे पहले मान लिया, लेकिन लेकिन बेटे आज तुमने हमारी आंखें खोल दी और इस बात के लिए जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मांगा। ये डॉक्टर कोठारी हमारे साथ ऐसा करेगा? लेकिन ये डॉक्टर कोठारी आपको मिले कहां? ठीक है, उसे याद नहीं है बेटा, क्योंकि हम इतने सारे डॉक्टरों के पास नीरज को ले गए थे, किसी ने रिफर किया था शायद। वैसे भी जब डॉक्टर कोठारी ने उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी तो नीरज को राहत मिलने लगी। और वो राहत नहीं थी डैडी, शॉक ट्रीटमेंट से नीरज का दिमाग शिथिल हो जाता था, इसलिए वो कुछ दिनों तक शांत हो जाता था, लेकिन हर शॉक से नीरज दो कदम पीछे पहुंच जाता है। पता नहीं शॉक ट्रीटमेंट ने नीरज के दिमाग को कितना डैमेज किया होगा। डैडी प्लीज प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए कि डॉक्टर कोठारी को किसने रेकमेंड किया था। देखो बेटे, 5 सालों से तो डॉक्टर कोठारी नीरज को ट्रीट कर रहे हैं, उससे पहले दिल्ली के डॉक्टर थे डॉक्टर नारायणन, उन्होंने नीरज को ट्रीट किया था, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट से नीरज को कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद याद आया महेंद्र खुल्लर ने, उसके साले के किसी दोस्त का इलाज डॉक्टर कोठारी कर रहे थे, उसी ने बताया। लेकिन महेंद्र खुल्लर कौन है? सुधीर का दोस्त, उसके स्कूल में पढ़ा करता था। ये डॉक्टर कोठारी उसके रिश्ते में लगता है, सुधीर ने भी बहुत तारीफ की उनकी, और जब उन्होंने नीरज की ट्रीटमेंट शुरू की तो नीरज को भी अच्छा लगता था, भरोसा कर लिया। बेटे जी, डैडी इतनी रात गए कहाँ गई? वो मैं निशा के घर गई थी, एग्जाम्स आ रहे ना तो नोट्स लेने थे उससे। तुम लोग भी अच्छी, साल भर आराम करते रहोगे और जब एग्जाम सर पर आ जाए तो फिर रात रात भर जाते रहोगे। क्योंकि ये तुम्हारा फाइनल ईयर है और उसके बाद तुम्हारी शादी भी करनी है। पापा आप भी ना। आई एम नॉट जोकिंग, लड़का मल्होत्रा खानदान से अभी अमेरिका में MBA कर रहा है। इट इज अ वेरी बिग फैमिली, वो यहाँ आके बिजनेस करेगा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। डैड प्लीज, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, आप लोगों को तो मुझे घर से भगाने की जल्दी है। बेटिया पराए घर की अमानत होती है, और फिर तो क्या जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी? डैड मैं नहीं करूंगी कोई शादी वादी। गुड नाइट। क्या बात है भैया, तुम इतनी ऑफ क्यों लग रही हो? कल रात फोन पर भी तुम्हारी वॉइस बहुत टेंस लग रही थी। टेंस हो तो टेंशन तो लगेगी अनुपम। तो फिर फटाफट बताओ टेंशन किस बात की है, मैं अभी छुट्टी में दूर रहूंगा। देखो अनुपम, तुम्हें आके डैड से मिलना होगा। डैड से? क्यों? अगर तुम डैड से नहीं मिलोगे तो मुझे गुड बाय कहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। हेलो हेलो रुकिए, तुम क्या कर रही हो? मैं सच कह रही हूं अनुपम, डैड मेरी शादी कर देना चाहते हैं। भैया की एंगेजमेंट हो गई है और उनकी शादी भी जल्दी हो जाएगी। कल रात को डैड मेरी शादी की बात कर रहे थे और जल्दी मेरे लिए रास्ता भी ढूंढना शुरू कर देंगे। तो प्लीज आपके डैड से मिलो अनुपम। होल्ड ऑन प्रिया, होल्ड ऑन वन सेकंड। तुम भी कमाल की बात करती हो प्रिया, इस वक्त मैं तुम्हारी डैड से मिलूं। डायरेक्टर 5,000 सैलरी पाता हूं, ये सुनकर इंडस्ट्री दिनेश खन्ना बहुत खुश होंगे और ये कहेंगे आओ
तुम मेरी बेटी के लायक हो, तुम मेरी बेटी के काबिल हो, यही कहेंगे वो? कम ऑन प्रिया, शादी से पहले इस रिश्ते को क्यों तोड़ना चाहती हो तुम? लेकिन अगर तुम नहीं मिलोगे तो? मैं मिलूंगा प्रिया, मैं उनसे मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। मैंने कब कहा मैं उनसे नहीं मिलूंगा? पर अभी नहीं प्रिया, गिव मी 6 months। तुम कैसे भी अपनी शादी की बात को 6 महीने के लिए पोस्टपोन करा दो। 6 महीने में क्या हो जाएगा अनुपम? बहुत कुछ होगा प्रिया, बहुत कुछ। मेरे एड डायरेक्टर ने मुझे पहला ब्रेक दिया है और कुछ ही दिन में मैं अपना इंडिपेंडेंट असाइनमेंट शूट करने वाला हूँ। मेरा बहुत बड़ा असाइनमेंट है प्रिया, और जैसे ये खत्म हो जाएगा सब कुछ स्मूथली फ्लो होगा। और अगर ये सब 6 महीने में नहीं हुआ तो? प्रिया तुम इतनी पेसिमिस्टिक कब से हो गई, मुझे बताओगे? आई एम डैम श्योर प्रिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिया तुम्हारी वेल विशेस मेरे साथ है ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। इन 6 महीनों में मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू प्रिया। आई लव यू प्रिया। हेलो, यस सर, आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स। मोना, मोना मैंने तुम्हें कितने फोन किए, व्हाई डोंट यू टेक माय कॉल? मैंने कितनी बार तुम्हें मेरे ऑफिस में बताया? मोना क्या, मोना ये क्या बात कर रहा है? ये मेरा ऑफिस। मोना अंडरस्टैंड, आई लव यू। शब्दों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। तुम प्लीज मेरी बात सुनोगी? क्यों, अभी कुछ सुनने के लिए बाकी रह गया सुधीर? मैं तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम सुनती नहीं हो। ये सारी बातें तुम सुनीति से जाके कहो। और हाँ, तुम अगर मेरे साथ रहना चाहते हो ना, तो उसे क्यों नहीं कन्विंस करते कि वो उसके पेट में पल रही तुम्हारी गलती को मिटा दे? जैसा तुम चाहती हो वैसा ही। अच्छा, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि सुनीति ये बच्चा गिराने के लिए मान जाएगी? नहीं, लेकिन मोना, ये बच्चा सुनीति की कोख में बहुत दिन ठहरने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने उसके दवा में जहर मिला दिया। She's gonna... Damn. Hello. Hello, सुधीर, आप अभी तक नहीं पहुंचे, पूजा की सब तैयारियां हो चुकी हैं। सुनीति, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में रहूं तो मुझे फोन मत किया करो। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपके तेवर वैसे ही बदले नजर आ रहे हैं। देखो सुनीति, तो अब तुम घर जाओगे? मोना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नॉट अगेन। अब क्या है? कम से कम अपनी माँ के साथ तमीज के साथ बात करो। मामा, what is it, मामा? ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम घर नहीं आ रहे हो? देखो सुधीर, ये बच्चा सिर्फ सुनीति का नहीं है, तुम्हारा भी है, और तुम दोनों से ज़्यादा मेरा है। अगर तुम 15 मिनट के अंदर घर नहीं आए, तो मैं वहाँ आऊँगी जहाँ तुम हो। Okay, मामा, मैं अभी आता हूँ। तो हाई कमान से फोन करवाया उसने? आजकल तुम्हें अपनी उंगलियों पे नजर आ रही है। तो? मोना, मोना मैं क्या करूँ? अगली बार मुझसे मिलने से पहले सुनीति के पेट में पल रही अपनी गलती को मिटा देना, तभी मुझसे मिलना। इज दैट क्लियर? ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वस्तवगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतर शुचि ओम सुमुख चिरदंतस्य कमलोदकालम्बोदरस्य पित्रो विघ्नाशोभराधिप ओम स्वाति नः इन्द्रोऽपि दशभाः स्वस्ति नः पूषा तो कोई भी आ सकता है, सुनीति ने बोला मेरे को। अच्छा,
सुनीति ने और क्या बोला तुम? आके बताओ। नहीं आके नहीं बताओगे, तुम यहाँ बैठ के पढ़ाई करो। नीरज हर बात में जिद नहीं करते, प्लीज। तुम भी तो जिद करती हो, नीचे नहीं डाल रही हो मेरे को, खुद जिद करती हो मेरे को बोलियो। चॉकलेट भी खाओगे नीचे भी जाओगे? नीचे नहीं जाओगे, मम्मा ने मना किया है तुम्हें। बच्चा वहाँ पे तो आलू पूरी खाए बकर बकर वहाँ पे आके। मैंने पूजा के लिए बुलाया है नीरज, तुम्हें नहीं बुलाया। सुनी की माँ बनने वाली है ना, इसीलिए पूछा। तो तुम भी माँ बनो फिर ना, हम भी बुलाएंगे ना बच्चों को। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पे ना मम्मी को, नीरज सुधीर को, नीरज सुनीति को, चलो एप्पल बॉल देख कर मत बोलो ना। सी फॉर कैट, डॉग, एलिफेंट, कैट, हेलो, गाय, हॉर्स, आई, जी डॉक्टर, आई, ठीक है मैं नीरज को लेके पहुंच जाऊंगी। कागल, कागल, आई, आई फॉर इंक, इंक, इंक। नहीं बहन जी, सुधीर और सुनीति इन बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, क्योंकि सुधीर पहली बार बाप बन रहे हैं। लो बेटा, आपने इन बच्चों को खुश किया है। ऊपर वाला आपके आने वाले बच्चे को हमेशा खुश बनाए रखे, उसे हमेशा समृद्ध बनाए रखे। ये नहीं कह सकता कि अगर नीरज को रिग्रेशन थेरेपी दी जाए तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हाँ लेकिन ये बात है कि अगर कोई एक चीज पे उम्मीद कर सकते हैं तो वो यही है। लेकिन रिग्रेशन थेरेपी है क्या? हमारा मानना ये है कि इंसान का सब कुछ उसके दिमाग से जुड़ा हुआ है। उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है, वो किस चीज से डरता है, किस चीज से खुश होता है, ये सब कुछ उसके दिमाग में छुपा हुआ है। बल्कि इंसान के दिमाग में उसकी जिंदगी का हर पल का ब्यूरो रहता है, एवरी सेकेंड ऑफ हिज लाइफ। कुछ चीजें कॉन्शियसली एक्सेस कर पाता है, कुछ चीजें सबकॉन्शियसली एक्सेस कर पाता है। नीरज के दिमाग में जो सात रंगों का डर छुपा हुआ है, वो उसकी मेमोरी में कुछ बचपन में छुपा हुआ है। हम उसे हिप्नोटाइज करेंगे और उसकी पास्ट लाइफ में ले जाएंगे। हो सकता है कि हमें कोई ट्रॉमेटिक एसोसिएशन मिल जाए। ना, उससे कुछ नहीं होगा, उसकी तंदुरुस्ती में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ पेपर्स है, इन पे साइन कर दीजिए। डॉक्टर, ये श्योर नीरज को कुछ नहीं होगा? ट्रस्ट मी ऑन दिस, जस्ट डोंट वरी। कम तुम्हारा नाम क्या है? और बहुत ही बढ़िया। नर्स, आई टेक ओवर। नर्स, लाइट्स प्लीज। नीरज, कैसे हो? नीरज, काजल बता रही है तुम बहुत स्ट्रांग हो। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें गिनती आती है? 1, 2, 3। नहीं 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 नहीं, धीरे धीरे। Count with me, okay? Look into my eyes. देखो मेरी आंखों में देखो। गिनो। 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स नीरज, तुम्हारी आंखें बंद करो। तुम्हारा नाम क्या है? अन्ना। तुम्हारी उम्र कितनी?
साल के तो नहीं लगते, तुम तो 26 साल के लगते। ना 8 साल। नीरज तुम इस वक्त कहाँ हो? दादाजी के साथ। हाँ नीरज और क्या हो रहा है, याद करो। आपने इन बच्चों को खुश किया है, ऊपर वाला आपके आने वाले बच्चे को हमेशा खुश बनाए रखे, उसे हमेशा समृद्ध बनाए रखे। अगली बार मुझसे मिलने से पहले सुनीति के पेट में पल रही अपनी गलती को मिटा देना, तभी मुझसे मिलना। Is that clear? बस ऐसे ही। दवाइयाँ और लानी पड़ेगी, हाँ खत्म हो रही थी।
में क्या था? आप हमारे बच्चा क्या लाना चाहते थे? नहीं सुनीति, मैं गिराना चाहते थे हमारे बच्चे को। सुनीति मेरी बात सुनीति सुनीति मेरी सुनीति 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 क्या कर रही हो तुम? मैं अब इस घर में एक पल नहीं रुकने वाली हूँ। सुनीति मैंने तुम्हें कहा ना, I'm really sorry. तीन अल्फाज बोल के आपने अपने गिल्ट से छुटकारा पा लिया? सुनीति देखो, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। I realized it. देखो, I was in a different state of mind. मैं, I was in a lot of pressure. मैंने मोना को, सुनीति, मुझे अपने गलती का एहसास है और मैंने तुम्हें दबाने से रोक लिया इसीलिए। तो क्या करूँ मैं? मेडल दूँ इसके लिए आपको? मेडल दूँ उस बाप को जो अपने अपने उस बच्चे के पीछे पड़ा है, जो जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया, जिसने अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी अभी तक, जिसका कोई कसूर ही नहीं है। आप एक काम करिए, आप जाइए उस चुड़ैल के पास और उसे कहते हो इस घर में ले आइए, क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ। सुनीति प्लीज, बात का पतंगल मत बनाओ। सुनीति मेरी बात सुनो। सुनीति इस तरह बाहर मत जाओ। सुनीति सुनीति रुक जाओ। सुनीति सबके सामने तमाशा मत करो। सुनीति मंदिर चल के आराम से बात करते हैं। चुप हो जाओ। सुनीति सुनीति कहाँ जा रही है? क्या हुआ? कहाँ जा रही? क्या हुआ सुनीति? अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम बहू? जिस घर में मेरे होने वाले बच्चे का बाप उसे जान से मारने की कोशिश करे, वहां मैं कैसे रह सकती हूँ? ये सच है सुनील? जवाब मिल गया आपको? इन्होंने मेरी दवाई में कुछ ऐसा मिला दिया था कि उसे पीने से मेरा मिसकैरेज हो गया होता। गिर गया तू? डैड मैंने वो दवा उसको नहीं लेने दी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। शट अप, माफी मांग बहू से। अरे कितनी बार माफी मांगू? सुधीर बहू से माफी मांग। अब क्या नाक रख दूँ उसके सामने? सवाल चला रहा है तू? सवाल चला रहा है तू? बहू तू कहीं नहीं जाओगी? अगर इस घर से कोई बाहर जाएगा सुधीर जाएगा क्या? नहीं डैडी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे तो जाना रोका किसने तुम्हें? सुधीर जा रहा हूँ। ओके फाइन, जा रहा हूँ मैं। रखिए अपने बहू को अपने पास। Oh, my God.